नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो और मैं हूं राजेश कुमार। और आज हमारे बीच हैं दिल्ली से शिवम कुमार जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इनसे जानेंगे यूपी चुनाव के कुछ अहम मुद्दे। नमस्कार शिवम जी, हमारे केबी स्टूडियो में स्वागत है। जी 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 सर, आभार आपका। तो शिवम जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बीजेपी पे अखिलेश यादव का आरोप है बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है, इस मुद्दे पे आप क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जी को आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना को सबसे पहले उन्होंने ही लाया। अखिलेश यादव जो है वो पब्लिक रैली में जिन्ना को मंच से संबोधित करके जिन्ना को सम्मान दिए, और जिन्ना जिसने हमारे भारत माता का दो टुकड़ा किया, उस जिन्ना को अखिलेश यादव महान बताए ताकि मौलानाओं को वो खुश करके फतवा दिलवा के वोट ले सके, और सरदार पटेल के बराबर जो है वो जिन्ना को लाए। तो ये उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में तो शुरुआत तो उन्होंने ही किया था। हालांकि बीजेपी के भी कुछ छुटभैये नेता जो हैं वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, जिनसे उनको बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री के जो सबका साथ सबका विकास वाला जो मॉडल है इसको धक्का लगता है। वो जो छुटभैये नेता ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि अखिलेश यादव को अपने अंदर और अपने पार्टी के अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जो है वो ये बयानबाजी किए थे कि मैंने जो है 40 हिंदुओं को मरवाया, अगर 100 भी मरवाना पड़ता तो मैं वो करता मुसलमानों को खुश करने के लिए। वही मुलायम सिंह यादव जो है जो हिंदुओं पे गोली चलवाए थे, उन्होंने बोला कि जो मैंने अखिलेश को मुस्लिम डीजीपी बनाने के लिए बोला। सोच लीजिए इस तरह का जो है उनके पिताश्री का स्टेटमेंट है, और अखिलेश यादव के सांसद जो है शफीकुर रहमान बर्ग एवं अन्य जो उनके सांसद है मुस्लिम सांसद, वो बोलते हैं जो तालिबान जो है वो मतलब मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ता है, इतना कट्टर है। वो हवाई जहाज वाला जो सीन था, लोग लटक लटक के निकल रहे थे अफगानिस्तान से, वो कौन भूल सकता है। और उस तालिबान को अखिलेश यादव के सांसद बोलते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो इस्लाम के अनुसार चल रहा है। और अखिलेश यादव अपने सांसद पे चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, एक सांसद जो है मुस्लिम वोट के लिए वो दूसरे को हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, इमरान मसूद नाम का एक नेता है उसको अपने पार्टी में लाए। वो इमरान मसूद यही है जो बोला था कि उत्तर प्रदेश में इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, मोदी को बोटी बोटी काट देंगे। ये मेरे नहीं, ये इमरान मसूद का स्टेटमेंट है। उस इमरान मसूद को अखिलेश यादव अपने पार्टी में ला के स्वागत किए। कैराना काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि कश्मीर के तरह से वहां से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। तो ये जो अखिलेश यादव जो है ये उस क्रिमिनल जो नाहिद हसन है, उस नाहिद हसन जो बोला था कि कैराना हिंदू छोड़ दे, उस नाहिद हसन को जो है अपने पार्टी में लाके अखिलेश यादव टिकट दिए हैं। और इनका पुराना जो है आतंकवादी जो वाराणसी में या फिर गोरखपुर में लखनऊ में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उस आतंकवादी से भी अखिलेश यादव ने केस वापस लिया था, जिसके बाद कोर्ट भी बोला था कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। तो ये जो है ये तो इनका पुराना जो है इतिहास ऐसा है, उन्होंने पहले अपने अंदर झांकना चाहिए फिर दूसरे पे आरोप लगाना चाहिए। जी शिवम जी, बीजेपी अखिलेश यादव को आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहते हैं? सर, ये प्रथम दृष्टिया में कोई अगर देखेगा तो लगेगा कि बीजेपी अपना राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब मैं इस घटना के बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो मुझे अचंभित करने वाला जो है वो आंकड़ा मुझे मिला। ये उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव आए थे, मुख्यमंत्री बने थे 2012 के आसपास, तो उससे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है मुस्लिम पे से केस वापस लेंगे, और जो आतंकवादी हैं और जो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा है उस पुलिस वालों पर एक्शन लेंगे। ये अखिलेश यादव, और जनता ने इसके बावजूद उन्हें वोट देके चुनाव जिताया। इसके बाद उन्होंने जो मैनिफेस्टो में आतंकवादी से केस वापस लेने की बात की थी, उन्होंने इसका कार्रवाई शुरू कर दिया। जो यहाँ पे ये वाराणसी में सर जो ब्लास्ट हुआ था, कई जगह पे गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ में ब्लास्ट हुआ था, तो इनके जो आतंकवादी थे इन आतंकवादियों से अखिलेश यादव ने केस वापस लेना शुरू किया। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है
वो अखिलेश यादव को फटकार लगाया और बोला कि सर आप जो है अब अगला स्टेप आपका यही होगा कि आप आतंकवादी को पद्मश्री दीजिएगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये अलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है सर। और जब इस बारे में देखते हैं कि उस जिस आतंकवादी का केस वापस ले रहे थे अखिलेश यादव, वो आतंकवादी जो है क्या था, निर्दोष था, बिना जांच का केस वापस ले रहे हैं। तो जब कोर्ट में सुनवाई हुई, उसकी जांच हुई, तो एक आतंकवादी है तारिक काजमी, ये गोरखपुर ब्लास्ट में जिससे इससे जो है अखिलेश यादव जो थे सपा की सरकार केस वापस लेना चाह रही थी। जब इस पे कोर्ट ने केस चलाया तो इसको 20 साल की सजा हुई। इसी तरह एक आतंकवादी सितारा बेगम है, इसने पाकिस्तानी आतंकवादी को छिपाया था, इनको 7 साल की कैद हुई। एक और आतंकवादी है इम्तियाज अली, इसको भी अखिलेश यादव केस वापस लेके बचा रहे थे, इसको कोर्ट ने 23 साल की सजा दी सर। एक है खालिद मुजाहिद नाम का आतंकवादी, ये देशद्रोह एक्सप्लोसिव एक्ट में था सर, इसको उम्र कैद की सजा हुई है। तो इस तरह से तमाम आतंकवादी है। मैं कुछ शॉर्ट में और नाम गिना देता हूँ, जैसे समीम अहमद है, अहमद हसन है, मुख्तार हुसैन है, नासिर हुसैन है, मोहम्मद कलीम है, मकसूद जावेद है, ये तमाम आतंकवादी उत्तर प्रदेश में हर जगह शहर शहर बम ब्लास्ट किए। और अखिलेश यादव तुष्टिकरण करने के लिए इन सब का केस वापस किए, जिसके बाद अलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो लकीली देश में अभी भी न्यायालय पे जनता का इसीलिए विश्वास है कि न्यायालय ने इन आतंकवादियों पे जो केस वापस ले रहे थे उस पे रोक लगाया, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों और बम ब्लास्ट हो रहे हो। बिल्कुल शिवम जी, किसान आंदोलन का असर कितना यूपी में देखते हैं? सर किसान आंदोलन जो है इसका पंजाब में अफवाह फैला करके कि व्यापारी जमीन छीन लेगी, ऐसा जब बेगूसराय में हम पढ़ते थे सर, वहां भी एक बार अफवाह फैला था कि नमक खत्म हो गया तो लोग नमक का बोरा खरीदने लगे थे। तो उसी तरह से पंजाब में ये अफवाह फैला दिया गया कि उनका जमीन छीन जाएगा। तो जिस तरह एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, उसी तरह किसान जमीन से प्यार करते हैं, जिसके कारण पंजाब में ये आंदोलन अफवाह के आधार पे शुरू हुआ। जी बिल्कुल। जिसके बाद राकेश टकैत जो है ये पहले इसी को स्वागत किए इस कृषि कानून को, अब बाद में अपने बात से पलट गए, क्योंकि बाद में कई खुलासा हुआ कि उनको किस तरह से कांग्रेस से लिंक है, उनके बेटा को किस तरह जमीन प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने नेता को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। साथ साथ ये लाल किला पे जो हिंसा हुई थी, जो हमारा स्वाभिमान जहां तिरंगा देश का लगा हुआ रहता है, उस तिरंगे का अपमान किया गया, तो इससे ये दिखाता है कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तानी तत्व मौजूद थे। क्योंकि किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि किसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उतना ही ये भी सत्य है सर कि 70 साल से इस देश में किसानों के साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह एक टीचर का सैलरी बढ़ाया गया, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, और बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ उनका बढ़ा, लेकिन एक किसान ऐसा है सर कि 70 सालों में किसान के साथ अन्याय हुआ। तो ये जो कुछ बिचौलिए दलाल हैं, जो पैसा के लिए, राजनीति करने के लिए, सत्ता के लिए और पैसा के लिए हमारे मासूम किसान भाइयों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे, लेकिन तीनों कानून वापस लेके प्रधानमंत्री ने इनके षड्यंत्र को बेकार कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में तो सर नहीं, लेकिन पश्चिमी यूपी में जो है वो जाट समुदाय के अंदर, क्योंकि इस आंदोलन को सिख और किसान के जगह सिख और जाट का आंदोलन बना दिया गया था, तो जाट समुदाय पे इसका सर थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान होगा उस जगह पे, लेकिन बाकी जो आम किसान हैं, जिन्हें चीनी मिल से पर्ची नहीं मिला करता था, जिन उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं होता था, तो योगी जी ने क्या किया, जमीनी काम किया, यानी जो 1.5 लाख करोड़ के लगभग किसानों का जो था वो रुपया उनके डायरेक्ट खाता में भेज दिया। तो यानी मायावती जी का 5 साल और अखिलेश यादव का 5 साल, तो दोनों का 10 साल में जितना वो लोग गन्ना भुगतान नहीं किए, तो उतना ज्यादा सिर्फ 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना भुगतान कर दिया। तो जो आम किसान है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके खाते में जब डायरेक्ट रुपया आया है तो इससे वो खुश है,
तो वो बीजेपी के तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि कुछ समुदाय विशेष में इस तरह का अफवाह फैला दिया गया था, वो जाति के स्वाभिमान पे वो लोग जो है कुछ लोग बीजेपी के अगेंस्ट गए हैं, थोड़ा बहुत तो इसका नुकसान सर बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। शिवम जी, यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कितना असर डालेगा? देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान इस बार जितना बड़ा मुद्दा है उतना ही बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल था कि वहाँ पे पुलिस जो है वो क्रिमिनल से डरती थी। उत्तर प्रदेश के जो थाने थे तमाम थानों में आम जनता जब FIR करवाने जाती थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस जनता का FIR नहीं लिखती थी। पहले जो है वहाँ का जो लोकल समाजवादी पार्टी का नेता होता था, तो जब समाजवादी पार्टी का नेता परमिशन देता था तब FIR होता था। तो थानों का राजनीतिकरण हो गया, तो इससे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी है कि हमारी सरकार है और फिर भी थानों हमारे अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि योगी जी ने आदेश दे रखा है पुलिस वाले को कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, किसी का बात मत सुनो, संविधान के अनुसार कार्रवाई करो। तो इसको लेके बीजेपी के कुछ जमीनी कार्यकर्ता नाराज भी है। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ा है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे जो उत्तर प्रदेश को अपना जो है वो मानते थे कि मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो उन तमाम जो थे योगी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव योगी जी को बुलडोजर बाबा का नाम दिए हैं, क्योंकि वो जो है बुलडोजर जो सीधा जो क्रिमिनल है उसको जो पूजा किया जाता था उस क्रिमिनल पे सीधा गाड़ी बुलडोजर चढ़वा दिया जाता था उसके घर पे। तो ये भारत के इतिहास में, मैं इस बात को सर रिपीट करता हूँ कि 70 साल में पहला बार ऐसा हुआ है संपूर्ण भारत में कि आतंकवादी अपने गले में तख्ती बांध करके थाना जाता है और पुलिस वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि सर मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं क्रिमिनल हूँ, मेरा इनकाउंटर मत कीजिए। तो क्रिमिनल के अंदर जो ये खौफ पैदा हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन प्लान है उसी के द्वारा ये पैदा किया गया है। जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल था जैसे नाहिद हसन था, अन्य बहुत बड़े जैसे रफीक अंसारी नाम का एक क्रिमिनल था, ये मुख्तार अंसारी जो जिसको कांग्रेस पार्टी पंजाब में बचा रही थी, असलम चौधरी है, मैं कुछ और नाम बता देता हूँ, शाहिद मंजूर है, मोहम्मद अली है, हाजी तस्लीम है, सलमान कुरैशी है, अबू आजमी है, इमरान मसूद है, शफीकुर रहमान बर्ग है, आदिल चौधरी है। ये सब उत्तर प्रदेश को समझता था कि हम ही उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। तो इन सभी क्रिमिनल का जो केस दबा हुआ था, योगी जी ने पुलिस को निष्पक्ष होकर इन क्रिमिनल पे केस चालू करने के लिए कहा और इन सब पे अभी कुछ जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, कुछ जो है वो थाने में बंद है और कुछ पे कार्रवाई चल रही है। तो जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं थी, अभी जो बीजेपी का एक बिहार चुनाव में जब बीजेपी की और जेडीयू की गठबंधन की जीत हुई थी तो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो हमारी जो साइलेंट वोटर है वो महिलाएं हैं। तो बिहार से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डरते थे, जो रोमियो स्क्वाड बना करके लड़कियों को स्कूल सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, उनके अंदर से जो खौफ क्रिमिनल का था वो जो खत्म योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने किया है। तो जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीतने का एक कारण जो है, एक मुश्त होके किसी भी जाति को की महिला हो जाति से ऊपर उठ के योगी आदित्यनाथ जी को वोट दे रही है। और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चिन्नी बोले, यूपी बिहार वाले भैया पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, पंजाब में इसे घुसने नहीं देंगे, इस पे आप क्या बोलते हैं? देखिए ये राजनीति से भी ज्यादा इसको मैं अपने स्वाभिमान से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ, मुझे बिहारी होने पे गर्व है, मुझे कोई पूरा भारत में मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता है, क्योंकि एक महाराष्ट्र के पंजाब के लोगों का अधिकार जिस तरह पूरे देश पे है उसी तरह हम बिहार यूपी वालों का भी पूरे देश पे अधिकार है। तो ये जो हमें अपमानित किया जाता है अलग अलग राज्यों में हमारे साथ जो ये दुर्व्यवहार किया जाता है ये बहुत निंदनीय है और सबसे बड़ा शर्म की बात है। मैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट करता हूँ जो उन्होंने बोला, चन्नी जी ने बोला कि पंजाबियों पूरी ताकत से एक हो जाओ, यूपी बिहार के दिल्ली के भैये जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं
उन्हें घुसने नहीं देंगे। तो पहले हम उनको बता देते हैं कि सर हम लोग पंजाब पे घुस के राज करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो आप अफवाह फैला रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये मत फैलाइए। और सबसे दुखद बात है कि प्रियंका वाड्रा जो है, जो बोलती मैं यूपी की बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये उनके बगल में चन्नी जी को डांटने के जगह चन्नी जी के बगल में प्रियंका वाड्रा खड़ा होकर के तालियां पीट रही थी जब वो बिहार यूपी वाले को चन्नी जी गरिया रहे थे। कांग्रेस का चरित्र ही सर ऐसा है। कर्नाटक चुनाव हुआ था तो कर्नाटक में लिंगायत को हिंदू से तोड़ने का कोशिश किया था। कर्नाटक मेट्रो में जो हिंदी में लिखा हुआ बोर्ड था, उस बोर्ड को तोड़ के कर्नाटक में उतार रही थी कांग्रेस पार्टी, और कर्नाटक के लिए अलग झंडा की मांग कर रही थी सिद्धारमैया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने सीधा रुपया की सरकार बताया था। अभी राहुल गांधी को जब उत्तर प्रदेश के अमेठी की जनता हरा दी सर, तो राहुल गांधी जब वहां पे वायनाड गए केरला में चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि वहां माइनॉरिटी जो जनसंख्या है वो वहां बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहां जब गए चुनाव जीते, उन्होंने ये गाली दिया कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो है इनको मुद्दे की ज्ञान ही नहीं है, तो ये विभाजन बांटो और राज करो। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये हम भारत वालों को आपस में जब दक्षिण भारत जाएंगे तो उत्तर भारत के लोगों को गाली देते हैं, और उत्तर भारत आके दक्षिण भारत के लोगों को गाली देते हैं। तो कांग्रेस का जो ये हस्त है, बिहार यूपी में कहीं है ही नहीं कांग्रेस, बंगाल में कहीं है ही नहीं, तो इस सब का कारण ही यही है कि वो विभाजनकारी राजनीति करती है। शिवम जी, मोदी और योगी जी अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं कि परिवारवादी है, क्या बीजेपी में परिवारवादी नहीं है? देखिए सर, परिवारवाद क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है और उसके परिवार से एक और राजनीति में आ जाते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। जैसे कोई एमएलए है और उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इसे मैं वैसा परिवारवाद नहीं मानता हूँ। परिवारवाद वैसा होता है सर, जो रियल परिवारवाद है कि परिवार को एक पार्टी मिल जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बाद बेटा मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव ही बनेगा। अखिलेश यादव के बाद जो है मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोग ही बनेंगे। तो जो ये लोग पार्टी पे कब्जा कर लेते हैं, बिहार में ही जैसे देख लीजिए, लालू यादव जी जो है उनका बेटा राजनीति में आता तो उससे दिक्कत नहीं था, उससे परिवारवाद नहीं, लेकिन ये है कि उनको अब जब वो जेल गए उन्हें पार्टी में कोई और टैलेंटेड लोग नहीं दिखा, वो अपने पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिए, तो ये परिवारवाद है। उनके बाद उनके पार्टी का अध्यक्ष उनका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वहां इंदिरा के बाद, राजीव के बाद, सोनिया तक, राहुल तक, तो एक परिवार ही पार्टी का मुखिया बना हुआ रहता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग बोलते हैं कि जैसे हम यादव के पार्टी है, तो भाई जात पात के नाम पे पार्टी होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती भी है तो क्या लालू यादव जो है उस किसी गरीब यादव को, किसी अन्य यादव को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे? अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जो है वो किसी आम जो है, एक स्टूडेंट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक किसान है, आम यादव को बनाइए? नहीं बनाइए। ये अपने ही परिवार के लोग को आगे बढ़ाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और ये जो कोई क्या कहते हैं, कोई सांसद बना है और उसका बेटा अगर टैलेंटेड है तो टैलेंट के आधार पर वो राजनीति में आ गया, कोई मंत्री का बेटा अपने टैलेंट के आधार पर आ गया तो वो दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का भी बेटा इंजीनियर बनता है, तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तब है जब आपका बेटा बेवकूफ है, टैलेंटेड नहीं है, अब फिर भी आप उसे मुख्यमंत्री बना देते हो। आपका बेटा आदमी पास है, फिर भी आप उसे मंत्री बना देते हो। तो ये देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए घातक है। तो असली परिवारवाद ये है, और इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, समग्र भारत के लोगों को आवाज उठाना चाहिए। सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, पर सर लास्ट में जाते जाते यूपी चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिलने की संभावना है? देखिए, दिल्ली में जितने जो राजनीतिक रिसर्चर हैं, जितने जो है सर्वे कर रहे हैं, सब यही बता रहे हैं कि बीजेपी को थोड़े बहुत नुकसान होंगे, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना यहाँ दिल्ली में सभी बता रहे हैं, जितने लोग सर्वे कर रहे हैं, जितने मीडिया चैनल कर रहे हैं।
लेकिन मेरी जो अनुमान है, बीजेपी को जो प्लस पॉइंट बीजेपी का है, जो बीजेपी ने गरीब को जो मुफ्त में राशन दिया है सर, ये गरीब लोगों के दिल तक पहुंचा है। जो घर दिया है 70 साल तक जिनको घर नहीं था, महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी, उन्हें जो है खुले में शौच करना पड़ता था, तो ये जो जमीनी काम, बिजली देना, घर देना, गैस चूल्हा देना, तो ये जो जमीनी स्तर पे बीजेपी ने काम किया है, तो इससे हुआ क्या, बीजेपी को एक गरीब वोट बैंक मिल गया। जो हिंदुओं को जाति के नाम पे तोड़ के बीजेपी के खिलाफ किया जाता था, तो ये जो है बीजेपी को एक गरीब का वोट बैंक मिल गया, जिसको मोदी जी ने शुरू किया था। आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, तमाम जो है सोशल स्कीम है, इसको योगी जी ने आगे बढ़ाया। और बीजेपी का जीत का जाति मजहब सबसे बड़ा बीजेपी की जीत होती है, तो उसका कारण जो है वो यही सोशल स्कीम होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आभार आपका। और आज शिवम जी आप हमारे साथ रहे और बहुत सी जानकारी दिए।